बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, आज की वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल है, तो यार आपने तवज्जो के साथ सुनना है, आपने तनकीद भी करनी है मेरे ऊपर। अगर मैं गलत बात कहूँ या गलत बात करूँ, यह आपका हक बनता है कि आप मुझ पर तनकीद करें, खुल कर करें, यह आपको राइट है। लेकिन जो मैंने बात करनी है उसको भी तवज्जो के साथ सुनना है और फिर बताना भी यार कि आपने ये बात गलत की है या ठीक की है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नादरी, तहरीके लबैक पाकिस्तान के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, जो यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, ये मैं आज सुबह से देख रहा हूँ, ETC यानी वो जो भी ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो इस वक्त आज का पूरा दिन वो नून लीग के हाथ में इस्तेमाल हुए। चाहे आप इस बात को तस्लीम करें या ना करें, यानी तहरीके लबैक पाकिस्तान के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मुस्लिम लीग नून के हाथों इस्तेमाल होने लगे, ये आप इस बात को माने या ना माने, इख्तलाफ बात करें, मुझ पर तनकीद करें, वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन हकीकत यही है, सच्चाई यही है। उसकी मैं आपको बुनियादी रीजन भी बताऊंगा, यानी तमाम वजूहात भी, और आप इस चीज को एक्सेप्ट भी करेंगे। ठीक हो गया, तो चलते हैं फिर आगे। नंबर वन, अता त्रोड़ा भी कह सकते हैं, तारण भी कह सकते हैं, जो इसको कहे, नवाज शरीफ का पालतू, मरियम नवाज का पालतू, बिकाऊ माल, पैसे पे बिकने वाला जमीर फरोश शख्स क्या करता है, एक आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, क्या करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, और उस कॉन्फ्रेंस में वो ये कहता है कि सुलेमान रुश्दी मलऊन का जो लायर है, आलमी अदालत के अंदर जो तहरीक इंसाफ एक मुकदमा दर्ज कर चुकी है इमरान खान के हवाले से, ह्यूमन राइट के हवाले से, जो ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है, खिलाफ वर्जी हो रही है इस पर, तो उन्होंने उसको खड़ा किया। यहां पर आप थोड़ी सी तवज्जो रखें कि किसने खड़ा किया है, इमरान खान ने खड़ा किया है किसको, जो सुलेमान रुश्दी मलऊन गुस्ताख है उसके लायर को, अपने केस के हवाले से आलमी अदालत में, यानी जो इंटरनेशनल कोर्ट है वहां पर। यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी, मैं एक मरतबा फिर दोहराता हूं, थोड़ा स्लो भी पढ़ता हूं ताकि मजीद आपको समझ आए। यानी इमरान खान इंटरनेशनल कोर्ट में, आलमी अदालत में अपना केस दायर कर चुका है, उनकी टीम कर चुकी है, और इस केस को जो टीम लीड करेगी या जो उस टीम के हेड होंगे, जो लेयर है, उसका जो ताल्लुक है वो सुलेमान रुश्दी मलऊन का गुस्ताख, सुलेमान रुश्दी मलऊन उसका वो लेयर रह चुका है, वकील रह चुका है। ठीक हो गया, यानी सुलेमान रुश्दी मलऊन गुस्ताख, उस गुस्ताख की हिमायत करने वाला, उसका केस लड़ने वाला मलऊन वकील, वो खड़ा हो गया इमरान खान का वकील। यहां पर आपको तमाम चीजें समझ आ गई, ये बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है, शायद किसी किसी को समझ आए, किसी किसी को ना आए, वो अपने नसीब की बात है, लेकिन यहां पर मैं बहुत कोशिश करूंगा कि आपको बात समझ आए। ठीक हो गया, तो पाकिस्तान में चलते हैं। अता तारण कौन है और वो किस पार्टी का बंदा है? अता तारण उस पार्टी का बंदा है जिसने पाकिस्तान के अंदर खत्म नबूवत के हलफनामे में तरमीम की, पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है 342 यानी 342 मेंबरान पर मुश्तमिल, वहां पर क्या किया, इस हलफनामे में तब्दीली की, खत्म नबूवत पर डाका मारा, उस जमात का तर्जमान क्या कर रहा है, उस जमात का तर्जमान क्या कर रहा है, उस जमात का तर्जमान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, और उस कॉन्फ्रेंस में वो किसको दिखा रहे, सुलेमान रुश्दी गुस्ताख के मलऊन के वकील, जिन्हें वो भी गुस्ताख हो क्योंकि गुस्ताख का हिमायती भी गुस्ताख है उसको, और फिर तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के तमाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट
जिन्होंने खत्म नबूत पर मारा डाका, जिन्होंने खत्म नबूत पर डाका मारा, मुमताज कादरी को दी फांसी, उस जमात का तर्जमान एक चीज आकर मीडिया को बताता है, कौम को दिखाता है, फिर उसी की तर्जमानी करना शुरू हो गए तहरीक लबैक पाकिस्तान के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट। अब आप समझ आए कि हम किसकी हिमायत में ये पोस्टर चला रहे हैं और क्यों चला रहे हैं। हाँ, इस पर तहरीक लबैक पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया मौजूद है, तहरीक लबैक पाकिस्तान का मरकजी इतलात और नशरियात या नशर इशात का जो एक ओहदा है मजलिस शूरा के अंदर, वो भी मौजूद है। हमने चलना है उनकी दी हुई गाइडलाइन पर, हमने चलना है उनकी जो एक हिदायत है या उनका एक जो मिशन है उसके ऊपर। अगर वो इस मामले पर करें कॉन्फ्रेंस तो हम हाजिर, हम वो जो अल्फाज कहेंगे, जो वो हमें लाइन देंगे, हमने चलना है उस लाइन पर। हमने ये नहीं करना कि हम आसिया मलूना गुस्ताख की हिमायत करने वाले गुस्ताख के चले जाएं खिलाफ। सुने, हम आसिया मसीहा मलूना गुस्ताख के गुस्ताखी जिसने की उसकी हिमायत करने वाले, उसको बैरून मुल्क फरार करवाने वाले, उसके तो हम एंटी चले जाएं, हम मुखालिफ चले जाएं, ठीक हो गया। और उसके बरअक्स हम एक अता तारण जो खत्म नबूवत के हवाले से जमात के ऊपर सियाह धब्बा, जिसने ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसने मुमताज कादरी को रात के अंधेरे में तख्तेदार पर लटकाया, हम क्या कर रहे हैं उसके बारे में हिमायती। तो मुझे बताएं आप लोग कहां रहते हैं, कुछ अपने जहन से भी सोचें। इस पर आप अपने मरकज की तरफ देखें कि आपका जो मरकज है वो आपको क्या ये लाइन देता है कि इमरान खान के वकील के हवाले से। मेरे असल कहने का मकसद ये है कि हम जो नू लीग बयानिया बयान करे मीडिया पर आकर, हमें उसको नहीं पकड़ना चाहिए, हमें अपने जहन से सोचना चाहिए। उनके अपने कहां मार गए सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, वो ये बात अता त्रोड़े के जरिए वो मीडिया पर करवाते हैं, फिर उनके जो बड़े बड़े सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं या ग्रुप है वो इसको तहरीक लबैक पाकिस्तान के ग्रुप में डालते हैं और तहरीक लबैक पाकिस्तान के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उसके खिलाफ हो जाते हैं। ये थोड़ी गहराई के साथ आप सोचा करें, हम इमरान खान जिसने गुस्ताख आसिया मसीहा मलऊना की रहनुमाई की, तहफ़ दिया, बैरून मुल्क भेजा, हम उस पर भी लानत भेजते हैं, हम उसको भी जूते की नोक पर रखते हैं। और जिसने मुमताज कादरी को फांसी लगाया, जिसने खत्म नबूवत के हलफनामे में तब्दीली की, तरमीम की पार्लियामेंट में, हम उस पर भी लानत भेजते हैं, हम उस पर भी थूकते हैं। और इस तरह न हम उसकी जमात के बताए हुए किसी मिंबर के इशारे पर कॉन्फ्रेंस पर ट्रेंड चलाएंगे, न हम उसकी बताए हुए मिंबर के तर्जमान के बताए हुए इशारे पर चलेंगे, हम अपनी जमात के बयाने पर चलेंगे, हम अपनी जमात के नजरिए पर चलेंगे, जो हमारी जमात नजरिया देगी, जो हमारी जमात हमें क्या करेगी, एक ट्रेंड देगी कि यार आपने इस ट्रेंड को ऊपर हाई करना है, ऊपर लेकर जाना है, अप करना है, हमने उस जानब जाना है, ना कि हमने इस जानब जाना है। ये नाजरीन, ये गहराई से सोचने वाली बातें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आप सब सोचें इस वक्त जो कुछ हो रहा है, ये मुस्लिम लीग नून का बंदा सब कुछ कर रहा है और फिर उसके पीछे हम खड़े हैं, हम फिर कहां पर खड़े हैं, ये आप खुद अपने ईमान से सोचिए, थोड़ा गहराई में जाकर सोचिए और फिर इसके बाद आप यही नतीजे पर पहुंचेंगे कि वाकई ऐसा हुआ है। क्योंकि हमारे तर्जमान ने तो कॉन्फ्रेंस नहीं की, हमारे तर्जमान ने तो हमें ट्रेंड का नहीं कहा, तो फिर हमारे ट्विटर ग्रुप में ये चीजें क्यों चल रही हैं, ये किसका इलामिया आगे बयान कर रही है, वही अता तारण का बयानिया आगे बयान कर रही है, वही नून लीग का बयानिया आगे बयान कर रही है, वही नवाज शरीफ का बयानिया आगे बयान कर रही है, वही शहबाज शरीफ का बयानिया आगे बयान कर रही है, वही मरियम नवाज का बयानिया आगे बयान कर रही है। ये वो रीजन है, ये वो वजूहत है जिसका कारकुनान को पता नहीं चल रहा। लिहाजा आप सबकी ये जिम्मेदारी है, आप इस चीज को अपने कारकुनान को बताएं कि जो नून लीग बयानिया दे उसको रखें जूते की नोक पर, जो पीटीआई बयानिया दे
उसको भी रखें जूते की नोक पर, जो आपको आपका मरकज, आपकी जमात, आपके नशर इशात के मजलिस शूरा के रुकन, जब वो आपको बयानियां दें तो उस पर ऐसे दौड़ कर जाएं कि आगे अगर वो आपको ये कहें कि यार आगे आ गए, इसमें भी कूद पड़े हो, लेकिन इसके अंदर से आपने वीडियो बनानी और अपलोड करनी है, तो फिर आप अपनी जान भी दे दें और जल कर राख हो जाएं, क्योंकि वो आपका मिशन है, वो आपका नजरिया है, उस पर आप साबित कदम रहें, ना कि अता तारर पर, ना कि फवाद चौधरी पर, ना कि जितने भी ETC वगैरह हैं उन पर। ये थी नाज़रीन अहम अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।